हनी व्हाट्स अप गाइस, आप लोग कैसे हो मुझे जरूर बताना। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, बिकॉज आज मैं आपके संग कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन मेक श्योर इफ यू न्यू टू माई चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर पेरेने कॉस्मेटिक्स ब्रांड। फर्स्टली आई रिसीव द प्रोडक्ट्स इन दिस ब्यूटिफुल पैकेजिंग में मुझे ये प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं। पेरेने इज एन इनोवेटिव नॉट ओनली प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो पैकेजिंग। द पैकेजिंग इज ऑल्सो रिसाइकलेबल। इवन द बॉटल्स आर एयरलेस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। और दिस इज अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आपके प्रोडक्ट्स को सेफ रखता है एयरलेस पैकेजिंग से। यहाँ पर मेरे पास पेरेने कॉस्मेटिक्स के 3 प्रोडक्ट्स है, जिसमें ये है पेरेने क्लिंजिंग ऑयल, पेरेने अंडर आई रिपेयर क्रीम, एंड आई हैव रिसीव पेरेने ग्लो बूस्टर रेडियंट डे क्रीम। दिस इज अ स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम। दिस क्रीम वर्क्स ऑन एंटी एजिंग एंड पिगमेंटेशन पे ये काफी अच्छा वर्क करती है ये क्रीम। ये क्रीम मुझे अमेजिंग माइंड ब्लोइंग इसलिए लगी है, मीन्स लास्ट 7 to 8 डेज से मैं इसे कंटिन्यूसली यूज कर रही हूँ। आई एम इन लव विद दिस क्रीम। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके इंग्रीडियंट्स आर अमेजिंग। इसके अंदर काकुदा प्लम एक्सट्रैक्ट है जो ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है। साथ ही में इसके अंदर अल्फा अर्ब्यूटिन भी है जो आपके पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को लाइटन अप करने में काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं। प्लस इसके अंदर काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं जो आपकी एंटी एजिंग पे भी वर्क करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, आपको आपकी स्किन पे ग्लो नज़र नहीं आता है, इफ़ यू हैव अ डल स्किन, आपको आपकी स्किन पे एक शाइन ग्लो नज़र नहीं आता है, यू शुड गिव अ ट्राई टू दिस ग्लो बूस्टर रेडियंट डे क्रीम। इट इज़ अ डे क्रीम, लेकिन मैं इस क्रीम को नाइट में भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये इस क्रीम मुझे इतनी माइंड ब्लोइंग लग रही है कि मैं इसको डे में भी यूज़ करती हूँ, नाइट में भी यूज़ करती हूँ। बट मेक श्योर अगर आप इसको जब भी डे में यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। पैकेजिंग इज वेरी ब्यूटिफुल एंड ओपन करने के बाद आपको इस पे एक सेफ्टी लिड भी मिल जाता है जिससे प्रोडक्ट बाहर नहीं आता है। कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो अमेजिंग। इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा क्रीमिश कलर का, व्हाइट कलर में ये क्रीम होती है। बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में अंदर पैनिट्रेट हो जाता है। आपको बिल्कुल भी स्टिकी स्टिकी और चिपचिप होता है ना, दैट वाली फीलिंग्स नहीं आती है। सो इट्स अमेजिंग प्रोडक्ट। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी प्रोडक्ट लाइक जो आपके स्किन को लाइटन अप ब्राइटन अप करे, साथ ही में आपके ब्लेमिशेज और डार्क स्पॉट्स को फेड डाउन करे, देन यू कैन ट्राई दिस क्रीम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेरेने रिप्लेनिशिंग अंडर आई रिपेयर जेल क्रीम। दिस इज अंडर आई क्रीम। ये आपके पफीनेस हो जाती है, डार्क सर्कल्स, इफ यू हैव फाइन लाइन्स अराउंड योर आईज, उस पर भी ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है, बिकॉज इट कंटेन्स हाइलोरॉनिक एसिड। एंड मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आई हैव स्पोकन अबाउट कि हाइलोरॉनिक एसिड कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर आपकी स्किन के में फाइन लाइन्स है, रिंकल्स है, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छी हेल्प करता है, बिकॉज ये आपके स्किन में मॉइस्चर को लॉक करता है हाइलोरॉनिक एसिड। प्लस इसके अंदर सनफ्लावर ऑयल, कैरेट सीड्स ऑयल, ग्लीसरीन, काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके डार्क सर्कल्स और पफीनेस को, रिंकल्स को रिड्यूस करने में काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं। देन यू कैन ट्राई दिस क्रीम। इज जस्ट आपको एक पी ड्रॉप लेना रहता है एंड अपने आंखों के आसपास अच्छे से पेनिट्रेट होने दे। डू नॉट अप्लाई टू मच, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि आपके अंदर आंखों के अंदर जा सकता है। अगर आप इसको कंटिन्यूसली 1 to 2 months यूज़ करते हैं, यू कैन लिटरली सी अ चेंज इन योर डार्क सर्कल्स एंड पफीनेस पे आपको काफ़ी अच्छा चेंज नज़र आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थर्ड प्रोडक्ट। दिस इज पेरेने नरिशिंग क्लींजिंग ऑयल। इट्स अ क्लींजिंग ऑयल। इट कंटेन्स आर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, विटामिन ई। ये आपके स्किन पे से डर्ट, इम्प्योरिटीज को, वाटर प्रूफ मेकअप अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं उसको भी रिमूव करने में इट्स अ अमेजिंग क्लींजिंग ऑयल। जस्ट यू हैव टू टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस क्लींजिंग ऑयल और ये आपकी मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। आपको बहुत बिल्कुल भी स्टिकी स्टिकी ऐसा फील नहीं होता है। वेरी लाइट वेट क्लींजिंग ऑयल है ये।
जस्ट इसको मैं हल्का सा मसाज करती हूँ, ये आपके पूरे मेकअप को एक सेकेंड में रिमूव कर देता है। आफ्टर दिस यू कैन वॉश योर फेस। आई लव दिस क्लिनजिंग ऑयल, तो आप इसको भी एक ट्राई दे सकते हैं। आई मस्ट से पेरेने कॉस्मेटिक्स पैकेजिंग्स आर अमेजिंग, प्लस साथ ही साथ पेरेने कॉस्मेटिक्स ब्रांड इज क्रुएल्टी फ्री ब्रांड, पैराबिन फ्री, SLS फ्री प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसे हार्श केमिकल नहीं होते हैं इनके प्रोडक्ट्स में। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट जो बिल्कुल केमिकल फ्री है बट इट विल गिव यू अ इफेक्टिव रिजल्ट, देन यू शुड गिव अ ट्राई टू पेरेने कॉस्मेटिक्स। सो दिस वॉज माई रिव्यू अबाउट पेरेने कॉस्मेटिक्स। इफ यू लाइक माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।